मैं जूली आपका स्वागत करती हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से दोस्तों हम स्ट्रीट फूड को बहुत मिस करते हैं, जैसे आलू चॉप, वेजिटेबल चॉप को। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ आलू चॉप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं और इसे बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको मेरी कोई भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पैन में 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है और इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद 1/2 छोटी चम्मच खड़े जीरे डालिए और इसे थोड़ी देर के लिए चटकने दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे 10 से 12 करी लीव्स, फ्रेश हैं तो फ्रेश डालिए और इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप्ड किया है, और इसे भी हम डाल लेंगे और इसे आंच को मीडियम में करके 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। थोड़े से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए दोस्तों। देखिए हमने फ्राई कर लिया, आंच को कम करके रखिए। उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1/2 इंच हम अदरक को घिस के डालेंगे डायरेक्टली। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है घिसा हुआ अदरक का। तो आप इसी तरह से इसे डालिए। 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ और सारे मसालों को हम फ्राई करेंगे। आंच को मीडियम में रखिए और मसालों को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। तो हमने इसमें पानी नहीं मिला है, इसलिए हम ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए मसाले फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने पहले से मैश करके रख लिया था। आपको भी आलू चॉप बनाने से पहले आलू को उबाल के मैश करके रख लेना है, तभी आपके आलू चॉप फटाफट रेडी हो जाएंगे। तो आँच को कम करके आप इसे मिलाइए, नहीं तो आपके मसाले जो हैं वो जल जाएँगे। और इसे मिला लीजिए अच्छी तरह से। तो नमक हमने नहीं मिलाया है, तो नमक मिला लेंगे स्वाद के अनुसार। मैं लास्ट में नमक डालती हूँ हमेशा। 2 बड़ी चम्मच मैंने रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं, जिसे मैंने पहले तवे पे रोस्ट करके रख लिया था, और उसे भी मैं डाल लूँगी। कुछ फ्रेश धनिया की पत्तियाँ डाल लूँगी। तो देखिए दोस्तों हमने सारे चीज़ को मिला लिया है इसमें, और आँच को कम करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे और मिला लेंगे। और ये हमारा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए दोस्तों तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं बेसन का। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, जिसमें मैं बेसन डालूँगी। 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है बैटर बनाने के लिए। इसे में डाल लीजिए मिक्सिंग बाउल में, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हाथों से इसे बनाएंगे। तो हमने अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है और आपको भी नहीं मिलाना है। मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं मिलाना है। सबसे पहले आप थोड़े थोड़े पानी डालिए, और जैसे आप कढ़ी के पकौड़े बनाते हैं जस्ट उसी तरह से इसे फ्लफी बनाना है। तो हाथ को आपको एक डायरेक्शन में मूव करना है और एयर पॉकेट्स क्रिएट करना है इसमें बनाना है। तो हाथों को इस तरह से घुमाते रहिए एकदम। तो 10 से 15 मिनट तक आप इसी तरह से करिए, तब ये अच्छी तरह से फ्लफी बनेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसे कितनी फ्लफी लग रही है देखने में बेसन। तो इसी तरह से हमने इसमें मिला लिया। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 पिंच हींग डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, मैंने यहाँ 1/2 छोटी चम्मच डाला है। कुछ फ्रेश धनिया की पत्तियाँ डाल लेंगे और सारे चीज़ को हम स्पून से मिला लेंगे। तो मैंने इसमें कोई भी सोडा नहीं डाला है और आपको भी नहीं डालना है। मार्केट वाले में सोडा रहती है और ये तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हेल्थ ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसे पतला करेंगे पानी डालकर। तो आपको थोड़ा थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, जस्ट ऐसा करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से ही होनी चाहिए, जस्ट इसी तरह से।
तो ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम आलू चप को और भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। छोटी छोटी बॉल्स बनाइए, उसके बाद इसे फ्लैट कर लीजिए। तो मार्केट वाली भी कुछ इसी तरह से रहती है और हमको उसी तरह से बनानी है, लेकिन घर वाली बहुत ही हेल्दी होती है दोस्तों। तो इसी तरह से आप इसे चिपटे कीजिए और इसे पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए। फ्राई करते वक्त आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने 6 तैयार कर लिए हैं आलू चॉप बनाने के लिए। और उसके बाद चलिए हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए तेल को अच्छी तरह से आप गर्म कर लीजिए पहले। तेल को गर्म होना बहुत ज़रूरी है फ्राई करने से पहले। और उसके बाद आँच को आप फटाफट कम कर लीजिए। तो हम किस तरह से इसे इस तरह से बेसन में ले लेंगे और स्पून की मदद से इसे सावधानी से चारों तरफ बेसन से रोल कर लेंगे और इसे डालेंगे ऑयल में। तो आँच को आप कम करके रखिए, अभी आपको आँच को नहीं बढ़ाना है, नहीं तो जल जाएंगे आपके आलू चॉप। तो इसी तरह से मैंने दूसरा भी बता दिया आपको। तो इस तरह से आपको डालना है, आप हाथों से भी डाल सकते हैं, मैं हाथ से स्पून से दोनों तरफ से आपको बता दे रही हूँ। आपको जैसा सुविधा आप वैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी से ही इसे करना है, नहीं तो तेल के छींटे पड़ जाएंगे और आपके हाथ में लग जाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे पलटिए और आँच को आपको लो टू मीडियम में ही रखना है और इसे गोल्डन ब्राउन नहीं लाइट ब्राउन फ्राई करना है। ये पकौड़े नहीं है, ये आलू चॉप है। तो धीरे धीरे करके आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो इस तरह से फ्लफी दिख रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही फ्लफी बनती है, आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत ही फ्लफी बनेगी। तो ये है हमारा सीक्रेट तरीका आलू चॉप बनाने के लिए। तो आप इस तरह से आलू चॉप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म हमने इसमें सर्व कर लिया है और देखिए दोस्तों कितनी फ्लफी बनी है, देखिए कितनी फूली फूली सी लग रही है। तो इसी तरह से आपको आलू चॉप को बनाना है, ये बहुत ही आसान है। और इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल लेंगे तो ये और भी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये रेसिपी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।